हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं मच्छर भी आपके साथ हेलो कर रहा है। ये देखो, ये पता नहीं क्यों मच्छर हो गए इतने सारे। गर्मी में हेलो मच्छर। गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है 7 बजे से। ये हो रहा है इनका लंच तैयार, आलू का पराठा बस आ गई है मेरे को लगते इसकी, है ना? वो देख, तुम्हारी बस लग रही है ना? नहीं। आज ये जाएंगे एक्टिवा पे, क्योंकि मुन्नू का आज बर्थडे है। आप लोग सब मुन्नू को आशीर्वाद देना कि हैप्पी बर्थडे बोल देना। हैप्पी बर्थडे बोलना, आशीर्वाद देना कि सबके बच्चे तरक्कियां करें। सबके जितने भी आज जितने बच्चों के भी जन्मदिन है, सब बहुत तरक्कियां करें, बहुत खुश रहें, उनका उनका हर रोज उनके दिन बहुत अच्छे जाएं। सबके बच्चों के लिए जिसके जिसके आज बर्थडे हैं, है ना? तो हमने बना दिए हैं आलू के पराठे। ये आटा थोड़ा सा रेड किया, इसको मैं करूँगी बाद में। और मुन्नू का बर्थडे, मुन्नू बहुत एक्साइटेड है, अपने फ्रेंडों को स्कूल में ही पार्टी देगा बोल रहा था। पार्टी देखो, आज ये बस से नहीं जाएंगे, आज एक्टिवा से जाएंगे। क्यों? मुन्नू कह रहा है कि हम एक्टिवा से जाएंगे आज। तो मैं क्या, ठीक है, दिया नहा चुकी है, मुन्नू नहा रहा है और मैं बना रही हूँ पराठे आलू के, आपको पता ही है। और क्या, बस दिया को बाल बनाने हैं अभी। मैंने क्या, पहले मैं इनका लंच तैयार, दिया ही लेके जाएगी लंच, मुन्नू तो लेके नहीं जाएगा। क्यों? मुन्नू क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि वो वहीं पे लंच करेगा, कराएगा बच्चों को, जो उसके फ्रेंड है। अच्छा, कैंटीन में? सर कैंटीन में, स्कूल में इनकी कैंटीन है ना। दिया की अलग है, मुन्नू की अलग है ना। मैं हमारी ऊपर है और उनकी नीचे है। हाँ, तो फिर ये अपने फ्रेंड को यहीं पे करवाएगा। इसके ज्यादा तो है नहीं, एक दो ही है मेरे ख्याल। हाँ, तीन चार है इसके, कह रहे तीन चार इसके फ्रेंड है, उनको करवाएगा ये। इसमें बहुत सारा पानी है जी, कढ़ाई इसके ऊपर चली जाती है, पानी हो जाता है। मम्मा, मैं बाहर डॉगी को दिखा रहा हूँ, तो चलो गाइस आपको पहले डॉगी को दिखा देता हूँ। डॉग हमें देनी है इसको रोटी, और एक और था जो पेट था मेरा, क्योंकि असली का तो मिल नहीं रहा। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ, बहुत क्यूट, मतलब अच्छा मौसम है। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, तो चल अंदर चलते हैं। चलो तो मम्मा, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन एक चला गया। चली गई तेरे वाला? इसके दिया वाला कुत्ता चला गया, जो मेरा पालतू कुत्ता था। हाँ पता है, आप क्या सोच रहे हो कि मेरा पालतू कुत्ता एक गली का कुत्ता है। हाँ, लेकिन उसे घर में रखता नहीं था, वो हमेशा मेरे से मिलने आता है ना। मम्मा ने निकाल लिया फॉल पेपर। फॉल पेपर ये वाला ऐसा है, बाहर से ऐसा, अंदर से ऐसा, क्योंकि ये जो बाहर से भी वैसा ही हो तो काम करता है ना, तो ये वाला अच्छा होता है। ये सिंपल वाला भी था पहले, अंदर से कागज, बाहर से फॉइल। ये बटर पेपर भी था मेरे पास, पर बटर पेपर में ये कह रही है कि पसीना आ जाता है, पराठे का पानी पसीना आ जाता है। हाँ, तो फिर इसलिए कि हम ये लेके आए। मैं, मेरे को ये मिल गया, दिख गया,
फिर मैंने एक ही बोल या दो रखूं? एक। इसको हम करेंगे रैप। बस और क्या दो साथ में? बस ग्रेप्स ना, फिर इतने बड़े ले जाने की क्या जरूरत। चलो जी हम इसे अपने उसे रखते हैं मेरे लंच का। मैं अपने बैग से आप नीचे रखना चाहती हूँ, बैग नीचे रखिए। बैग ठीक है, ये हर फ्रूट भी रखे साथ में ना? क्यों? मैं खड़े खड़े थक गया, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। तेरे को भी देती हूँ पराठा खा ले। रजिस्टर दिए रहने, ट्यूशन पे लेके जाइए, स्कूल में क्यों वेट कर रही है? ठीक है, लेकिन फिर वो होता है ना कि बार बार भूल जाता हूँ। अम्मा ने मेरा ये पैक कर दिया बैग। इसका पता कितना वेट है? कुछ तो तुम्हारा मैसेज वेट बहुत हो जाता है बैग का। ये रखा यहाँ पे, ठीक है ओके। मेरा पेट दर्द। तो गाइस मैं उठा रही हूँ कि कंफर्ट 9 बज गए गाइस, मैं बैठी थी। चश्मा रखते हैं हम यहाँ पे। देखो दिया ने ये बनाया पिकाजू, पिकाचू। ये कमल का फूल कान में लगा रखा बंदे ने, पता नहीं क्या क्या बना रखा इस लड़की ने। और इधर भी, इधर बना रखी ये क्वीन कमल के फूल। क्या आदमी है, मेरे को तो इनके कार्टूनों का ही नहीं पता ये क्या है, ये क्या है, कैसे कैसे देखते रहते हैं ये। 10 साल का है वो ये। हे भगवान, ये टीवी में देखते हैं इनकी सीरीज है ना। हाँ तब इनको पता, मैंने तो सोचा लड़की है ये, तो लड़का है। बताओ देखो लड़का कैसा, बड़े बड़े बालों वाला। वो जापानीज लड़का है, जापानीज लड़का है ये। हे भगवान, हमें तो ये भी नहीं पता। ये है ऐसे और ये है ऐसे। तो गाइस बर्थडे, ओ पीछे हो गया, ओ बर्थडे बॉय पीछे गया। बर्थडे बॉय देखो अभी भी उसकी वो हरकत है बचपन वाली, बचपन में भी ये यूं ही था। इसको जरा सा मारो और ये ऐसे गिर जाता था। तो गाइस हमने बनाई है आज 4 चीजें। ये है हमारी राजमा, इसमें तो पानी है। इसमें है हलवा, थोड़ा सा ज्यादा वो लग रहा है, लाल लाल सा। इसमें है खीर और ये है चावल। ये हमने बनाया था खाना मुन्नू के बर्थडे पे, और मुन्नू अब खा रहा है। ये दोनों अभी बैठ के खा रहे हैं, मैंने अभी खाया नहीं है। मैं भी, मेरे को ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी गले में ना, बाहर बादल हो रखे हैं। बादल पता नहीं क्यों हमारे बार बार है ना, आपकी बार तो ऐसा लगता है जैसे कभी तो लगता है गर्मी। सुबह मुझे गर्मी लग रही थी, फिर मेरे को ठंड लगी, फिर मेरे को ठंड लगी, फिर हमने भोग लगाया था ठाकुर जी को। और ये उठा लेते हैं और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा ऐसे। मेरे फ़ोन में है ना वो हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इधर तो गोरा दिख रहा है, इधर थोड़ा लाल लाल दिख रहा है ऐसे। ऐसे पता नहीं दिख रही है कि नहीं, अब दिख रही है। तो ये ठाकुर जी के 2 ग्लास रखे हैं, और उधर इधर बैग बुक इन्होंने फैला रखे हैं, सब कुछ सारे बैग बुक ऐसे ही फैला रखे हैं। ये मैं भोग लगाया था हमने अपने गुरुजी को और ठाकुर जी को। ये फिर भोग प्रसाद है, ये हम खा लेंगे।
इसमें से चावल तो मुन्नू ने ले लिए, इसको भी ढक देती हूँ मैं, इसको भी साथ ढक। इसको ढक देते हैं इसके साथ, लाइट कर देते हैं बंद, और इधर नुखा रहे हैं। और अब बस मेरे को क्या उठाना है, ये सामान उठाना है इधर से, मेरे पैरों के अंगूठों में पता नहीं क्यों दर्द हो रही है। अच्छे लग रही है ना दन्नू बर्ड, पैरेट है ये, है ना, देखिए पैरेट। दिए ने खा लिया था पराठा, देखो कि कहाँ कहाँ इसने सजा रखे हैं। अब ये ऐसे छोड़ देती है, चलो जी। अब मेरा भैया ना खुद लेके खाने का मन नहीं करता, मेरे को ये लगता है कि कोई डाल के दे दे, क्योंकि हम बनाते हैं ना तो बनाने में हमें यूँ लगता है बादल क्यों हो रहे हैं फिर से हमारे इधर यहाँ, है ना। अब हर रोज़ बादल, बाल कैसे होते हैं मेरे, हर रोज़ बादल बादल हो जाते हैं। ये चुन्नी है जो मैं पूजा में लेती हूँ, फिर आज मैंने ऐसे ही ओढ़ दी, ये वाला सूट पहनना आज मैंने, देखो इसकी सलवार ऐसे 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 मैचिंग, इसकी चुन्नी रखी है, ये मैंने बहुत मतलब दिनों बाद पहना है, दूसरी बार पहना है मैंने ये सूट, ठंड लग रही थी ना मेरे को इसलिए। रबड़ है ना, ये रबड़ पहनती हूँ तो ये लूज लूज वो ठीक लगते हैं, लूज पहनो तो, अगर मैं टाइट पहनूँ तो मेरे बाल खींचे खींचे लगते और मुझे दर्द होती है, फिर लूज में ना ये ऐसे ऐसे निकल जाते, कुछ चश्मा लगा के भी निकलते हैं ये। देखो अब सेट हो गए ना, ये देखो अब सेट हो गए, फिर मैं चश्मा लगा लेती हूँ ना। फोन आ रहा है इसके फ्रेंड का, शुभम शुभम फ्रेंड का आ रहा है फोन। चलो जी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ठीक है जी, इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।